अरे यार ये तो अब ज्यादा ही गलत हो गया, पहले उड़ा ले गए लड़की और अब फिल्म। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप ये सब सुनकर थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दरअसल अभिषेक बच्चन की एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम के इवेंट के दौरान की गई, जिस फिल्म में पहले सलमान खान थे। अरे हाँ, अब समझ आया आपको पूरा मामला। पहले अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को ले गए और अब भाईजान की मूवी भी छीन ली। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपनी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट जारी की। इसमें कई फिल्मों के नाम शामिल थे, इन्हीं में एक नाम अभिषेक बच्चन की फिल्म बी हैप्पी भी रहा है। इसका निर्देशन रेमो डिसूजा ने किया है, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म पहले रेमो ने सलमान के साथ करने का मन बनाया था, पर ऐसा क्या हुआ जो रातों रात एक्टर ही चेंज हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब रेमो डिसूजा फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना सेल्फी ले ले रे को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तभी उन्होंने सलमान खान से कहा कि वो उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। सलमान ने रेमो से फिल्म की पूरी स्टोरी सुनी, भाईजान को स्टोरी बेहद पसंद आई। मतलब स्टोरी पसंद तो एक्टर फाइनल हुआ ना, पर यहाँ तो एक्टर ही चेंज हो गया। वैसे इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता के बारे में है जो अपनी बेटी को डांस सिखाता है। उसकी बेटी डांसिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहती है, इसमें सलमान को पिता का रोल करना था। इस फिल्म का नाम डांसिंग डैड था। उन्होंने रेमो की फिल्म को साइन कर लिया, उन्होंने डांस बेस्ड फिल्म के लिए ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच सलमान खान ने डांसिंग डैड से पहले रमेश तौरानी की फिल्म रेस 3 को भी साइन कर ली। उनके रिश्ते रमेश तौरानी से काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने पहले रेस 3 की। इसके बाद रेमो को उम्मीद थी कि वो उनकी फिल्म करेंगे, लेकिन वक्त के साथ सलमान डांसिंग डैड से दूर होते चले गए। इसी के चलते रेमो ने डांसिंग डैड में किसी और एक्टर को लेने का फैसला कर लिया। अब जो अभिषेक बच्चन की फिल्म बी हैप्पी आ रही है, वो रेमो की वही फिल्म है जिसे वो सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन आखिर में ये फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ बनाई गई। ओ तो मामला ये था, क्या आप लोग भी कुछ भी सोचते हैं? हाँ, तो यहाँ ना सलमान की गलती रही, ना ही अभिषेक बच्चन की और ना ही रेमो की। यहाँ गलती रही बस वक्त की। वैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज ना होकर सीधे ओटीटी पर नजर आने वाली है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।